वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी टोस्ट। ये बड़ी झटपट और इंस्टेंट बन जाते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपने सुबह बनाने हैं नाश्ते में तो बच्चों के देने हैं तो रात को ही सब्जियाँ काट के आप रख सकते हैं और झटपट से 10 मिनट में ये बनकर नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए उस पर है। ये देखिए 4 से 5 ब्रेड मैंने सैंडविच ब्रेड ली है। आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, स्लाइस वाली। और इसके लिए 1 कप मैंने सूजी लिए, आधा कप दही लिए और आधा कप पानी लिया। जितना हमें चाहिए होगा हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच छोटा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच ही काली मिर्च। और ये मेरे पास इटालियन मिक्स हर्ब हैं, ये ऑप्शनल अगर डालना चाहिए, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तलने के लिए तेल, बटर या घी में आप देसी में बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सूजी है ये हम डाल देंगे। हमने छान के रखी हुई है, 1 कप सूजी है तो आधा कप हम इसमें ये डालेंगे, दही डालेंगे। दही थोड़ा सा खट्टा तो याद रखिए, बेटर है। और ये नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च और लाल मिर्च मैंने डाल दिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनो जो मिक्स हर्ब है वो डाल देती हूँ, 1 चम्मच के करीब। और हमारे पास 1 शिमला मिर्च कटी हुई है, 1 टमाटर है, 1 छोटा प्याज है बारीक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सारा धनिया और हरी मिर्च। ये भी सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। दही और सूजी में मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया डाल दिया। हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारे पास आधा कप पानी है, हम पहले सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सूजी पानी सोख लेती है तो इसमें लग जाता है आधा कप के करीब। ऐसा बैटर बनाएंगे जो हमारी ब्रेड के ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए अभी थोड़ा सा और हम इसमें डालते हैं। बस हमें इतना ही चाहिए, आधा कप लिया था तो हमारे इतना पानी बच गया, थोड़ा सा 3/4 कप हमने यूज़ किया आधा कप। देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन लेते हैं हम, या तवा में भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल। आप बटर में भी इसको सेक सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेड पीस लेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसको लगा देंगे। एक साइड में ही लगाएंगे, मीडियम आंच पे हमने पैन रखा हुआ, तेज नहीं करना है, मीडियम। ये देखिए हमने बैटर लगा दिया, चारों तरफ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे से और हम इसको थोड़ा आँच को कम कर देंगे, मीडियम कर दिए मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अभी ये हम इसको और लाल करेंगे, हम नीचे से थोड़ा सेक लें पहले। हम दबा दबा के इसको थोड़ा सेक लेते हैं। ये देखिए हमारा इस तरह से सिक गया बिल्कुल टोस्ट, और बैक साइड में भी सिक गया। ये हम उतार देते हैं। अब एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब ये मैं इसमें देसी घी में बना रही हूँ। चम्मच और कड़छी से आराम से ये पेस्ट जो बैटर है लग जाता है। ये देखिए अब इसको पहले आंच बिल्कुल धीमी रखिए,
फिर धीरे धीरे थोड़ी मीडियम पे ले आए तो आपकी ये जो ब्रेड है उसकी बने। ये सूजी टोस्ट है, झटपट बन जाते हैं नाश्ते में या शाम का बनाना चाहे तो शाम की चाय के साथ या बच्चों को टिफिन में साथ ले सकते हैं। ये दूसरा टोस्ट भी बनकर तैयार है, इसी प्रकार में बाकी के भी बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे चार टोस्ट बन गए। आप इस चिमटे से भी इसको पलट सकते हैं। अब लास्ट वाले को मैं आपको बना के दिखा दूँ। एक चम्मच तेल डाले के इसमें एक अच्छी ये बैटर लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसे पतला नहीं करना बैटर, अगर पतला करेंगे वो चिपकेगा नहीं और वो ऐसे फैल जाता है। ये रखिए ऐसे रखिए फिर पानी से हो जाता है। ये थोड़ी सी मैं मीडियम आंच कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसको प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। टोस्ट सूजी टोस्ट बनकर तैयार है, अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। आप इसको किसी भी शेप में काट के, मैं ट्रायंगल काट लूँ, इसी प्रकार में सारे करके आपको। इंस्टेंट सूजी टोस्ट बनकर तैयार हैं हमारे, बनाइए खाइए और अपने बच्चों को टिफिन में दीजिए या अपने मेहमानों को खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।